चले हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? चले अच्छे ही होंगे। और आज का वीडियो है कि फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से बात कैसे करें। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यहां पर लाइव बात करके दिखाऊंगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो का पहले मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों, उस वीडियो पर कमेंट आई हुई है, पहले उसको देख लीजिए, इसके बाद आप लोग को यहाँ पर बातें करके दिखाऊँगा। तो चलिए चलिए चलते हैं उस कमेंट की ओर। किधर है कमेंट? यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर है, मैं स्क्रीनशॉट रखा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, किसी ने यहाँ पर एक कमेंट किया था, और इस वीडियो क्या था, आप लोग वीडियो को पहले जान ले। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर से बात कैसे करें, इस वीडियो को मैंने अपलोड किया था। इस वीडियो में मैंने तरीका बताया था दोस्तों कि कैसे बात कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस वीडियो में बात करके नहीं दिखाया था। तो यहाँ पर एक कमेंट एक आई हुई है, यहाँ पर देखिए, वंदना सिंह के तरफ से, कि यह सब करने के बाद भी कॉल नहीं आती है, क्या करें। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पर लाइव बात करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को भरोसा हो जाए दोस्तों। और उससे पहले एक बात और आप लोगों को कहना चाहूँगा कि कभी होती है सुबह, कभी होती है शाम, कभी होते हैं रातें। और चलिए आप लोगों को फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से करके दिखाते हैं बातें। तो यहाँ पर देखिए, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों लाइव। तो यहाँ पर देखिए, जाना होगा यहाँ पर थ्री लाइन में जाने के बाद, यहाँ पर देखिए एक नीचे हेल्प सेंटर का ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसी को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ऑप्शन खुलेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मेरा नेटवर्क ऑन नहीं था, नेट इसीलिए नहीं हो पाया। तो चलिए फिर से यहाँ पर करके आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, फ्लिपकार्ट को जब खोलेंगे दोस्तों, इस प्रकार से ऑप्शन खुलेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक थ्री लाइन का ऑप्शन दिया, इसी को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, हेल्प सेंटर का यहाँ पर ऑप्शन है नीचे। आप लोगों को कलम चला के बता देता हूँ, ताकि समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए, इसी को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, इस प्रकार से ऑप्शन खुलेगा। आप लोग यहाँ पर बने रहे, जमे रहे, टिके रहे, देखते रहें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर सारा आपका, यदि आप कोई प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया है तो यहाँ पर शो कर देगा, अन्यथा इधर उधर ध्यान नहीं देना, आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है। यहाँ पर देखिए, और नीचे यहाँ पर क्लिक करना है, यानी कि आई वांट हेल्प टू अदर इशू, इसी को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई सा भी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए मैं यहाँ पर ऑफर रिलेटेड क्वेरीज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से फिर ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर भी आप कोई सा भी सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए मैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ऑप्शन खुल जाएगा धड़ाकसी का। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से ऑप्शन खुलेगा। फिर आगे क्या करना, आप लोग देखते रहे ध्यान से। फिर आप लोग कमेंट में बोलोगे कि बात कॉल नहीं आती है, बात नहीं हो पाती है। तो आप लोग ऐसा ना करें दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोग को लाइव यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बातें करके दिखाऊँगा। यहाँ पर देखिए, एक कॉन्टैक्ट यूज का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ, इसी को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर देखिए, नीचे यहाँ पर दिया है रिक्वेस्ट एक कॉल। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट लगाना है, यानी कि कॉल करने के लिए, यानी कि कस्टमर केयर से बात करने के लिए फ्लिपकार्ट का। यहाँ पर देखिए, एरो के निशान को नीचे यहाँ पर रिक्वेस्ट कॉल लिखा है, उसके आगे एरो के निशान है, इसी को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ऑप्शन खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपका फ़ोन नंबर, यदि पहले कभी ऑर्डर किया है आपने तो यहाँ पर फ़ोन नंबर आपका शो कर देगा, यदि नहीं है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इधर एक लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी को आपको, यानी कि लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर, कि आप कौन सा लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आप इंग्लिश आते हैं तो इंग्लिश को सेलेक्ट ही रहने दें, और हिंदी आती है तो यहाँ से इस आइकन को क्लिक करेंगे तो यहाँ से लैंग्वेज चेंज करने के लिए ऑप्शन देगा। इस आइकन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए, मुझे हिंदी में बात करनी है तो हिंदी को यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, एक दिया है सेलेक्ट ए टाइम स्लॉट, इस वाला आइकन को आगे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि आप कितना मिनट बाद बात करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ 7 मिनट, यानी कि 7 मिनट के अंदर मुझे बात करना चाहिए है, यहाँ पर मैं करूँगा। यहाँ पर देखिए, 7 मिनट को यहाँ पर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर लिख दीजिए, कुछ भी ऑफर से रिलेटेड लिख दीजिए ना, आपको बात करना है तो आपको बात करने से मतलब है। यहाँ पर देखिए, ऑफर लिख दीजिए, ऑफर। इसके बाद यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका कॉल यानी कि 6-7 मिनट में आ जाएगा।
यदि नहीं आती है तो कुछ समय आप इंतज़ार कर ले, कभी कभी लेट से कॉल आएगी लेकिन आ जाती है दोस्तों। चलिए आप लोगों को यहाँ पर और मैं यहाँ पर आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, मैंने जो बात किया है दोस्तों यहाँ पर। नमस्कार, फ्लिपकार्ट से शशांक बात कर रहा हूँ, कभी मैं संजय जी से हो गई। हाँ सर, नाम कंफर्म करने के लिए धन्यवाद संजय जी। संजय जी, आपने हाल ही में फ्लिपकार्ट पर कॉल मी बैक रिक्वेस्ट पेश की थी, क्या आपसे बात करने का सही समय है? जी सर, बिल्कुल सही समय है जी। सर बताएं, आपसे किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? हाँ सर बताएं, कि मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया है सर गोली उस्ताद के नाम से, उनका कुछ जानकारी बताएंगे सर, कब तक आएगी हमारे घर तक, कब तक डिलीवरी हो जाएगी? एक बार मैं अगले बार किया था सर, उस बार तो मेरा प्रोडक्ट आकर ही कैंसिल हो गया था, तो इस बार भी वैसा तो नहीं होगा, समझ पा रहे? निश्चित रहेगा जी सर। यूनिक फार्मा गोली टैबलेट जी सर, टैबलेट जी, बिल्कुल समझ पा रहा हूँ सर, निश्चिंत रहेगा। माफी चाहूंगा सर, जो कि ऑर्डर जो है कैंसिल हो चुका है जी, मिस राउट होने के कारण जो कि ऑर्डर जो है कैंसिल हो चुका है। आप रिक्वेस्ट करना चाहूंगा संजय जी, आप एक न्यू ऑर्डर प्लेस कर लीजिए सर, सेम प्रोडक्ट न्यू ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। सर मैंने किया है प्रोडक्ट फिर से ऑर्डर, आपने फिर से यानी कि इस कैंसिल ऑर्डर के बाद एक और ऑर्डर प्लेस किया गया आपके पास? जी सर, उसी की जानकारी चाह रहा हूँ कि सर वो कब तक आएगी या फिर वैसे ही तो कैंसिल नहीं हो जाएगी पहले की तरह? जी बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, निश्चिंत रहिए। ऑर्डर है यूनिक फार्मा गोलिस्ता जो कि टैबलेट है, जो कि आपके द्वारा ऑर्डर प्लेस किया गया 19 अक्टूबर यानी कि परसों की डेट में। आयुर्वेदा कैटेगरी है जी सर, जी निश्चिंत रहेगा, इस कॉल पर आपकी पूरी सहायता की जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट को डिलीवर करने का प्रॉमिस डेट है वो है 31 अक्टूबर। मैं आपको बताना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप प्लीज वेट कर लीजिए, 31 अक्टूबर या 31 अक्टूबर से पहले पहले जो कि प्रोडक्ट है वो आपको डिलीवर किया जाएगा जी सर। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज वेट कर लीजिए सर। एंड बताना चाहूंगा, प्रोडक्ट संबंधित सभी जानकारी आप चेक कर सकते हैं फ्लिपकार्ट अकाउंट में जाकर, बाय ऑर्डर सेक्शन से ऑर्डर आईडी पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं जी सर। एंड आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट में ईमेल आईडी अपडेटेड है, प्लीज ईमेल आईडी अपडेट कर लीजिएगा सर। जी सर जी, क्या मैं आपको और सहायता कर सकता हूँ? जी सर बिल्कुल, इतना ही चाह रहा था सर सहायता के लिए जी। बताना चाहूंगा संजय जी, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कॉल के बाद मिलने वाले ईमेल सर्विस द्वारा आप हमारी बातचीत के अनुभव को जरूर शेयर करें। फाइनली आज आप लोगों को यहाँ पर मैं फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से बात करके लाइव दिखाया दोस्तों, ताकि आप लोगों को भरोसा हो। यदि मेरे वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, कभी कभी यानी कि आप रिक्वेस्ट जब फ्लिपकार्ट में कॉल लगाएंगे दोस्तों, रिक्वेस्ट कॉल, तो वहाँ पर कभी थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आपका कॉल वापस ज़रूर वहाँ आएगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि कॉल उधर से आएगा ही आएगा, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन कॉल आएगा दोस्तों, आप विश्वास रखें। मैं जैसे जैसे कि हम ऐसे वैसे करेंगे तो आपका कॉल ज़रूर आपका कस्टमर केयर से बात कर पाएंगे, यानी कि फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। यदि फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।